मुझे कॉल आया था कि माय फादर वाज क्राइंग बिकॉज आई वाज आई रिस्पेक्ट द आइडिया ऑफ एल्डर्स बट पीपल हु आर एल्डरली शुड आल्सो नो देयर लिमिट। एंड समटाइम्स व्हेन यंगर जनरेशन पुट्स देम इन देयर प्लेस इट्स नॉट रॉन्ग Welcome to my show Impact Stories, Nayan. Thank you. <laughs> this has been long pending. I'm so sorry. No problem. But when I had to do it, I knew that I'm going to do it with a friend. Yes. And I've loved your other episodes. Before I begin, I must say that um, one episode... Two episodes that I really, really loved. One, of course, because Rajiv Aditya is a friend of mine and he spoke about whatever he actually wanted to uh, in your episode. Right. Um, and uh, Lakshmi man, I feel that she was outstanding. Outstanding. And she was so honest. Yes. Thanks to you. <laughs> that's what impact stories do yeah that's true <laughs> so let's let's begin with this thing how was your childhood my childhood my childhood was very fun yaar matlab i was a very boring child <laughs> <laughs> not so boring now uh -huh. but i was a very boring child because uh -huh. i was one of these obedient kids i was exactly opposite to my brother who's ten years older to me so my mom has never had a lot of issues uh, like troublesome issues with my ब्रदर बींग वेरी वेरी मिस्चीवियस आई वॉज एग्जैक्टली ऑपोजिट मैं मैं मतलब मम्मी पापा की बातें सुनना पढ़ाई में yeah. खुद करना पढ़ाई मुझे पढ़ाई करने में अच्छा लगता था लोक पीपल लाइक किल मी बट येस आई शू लव स्टडिंग सो है व वेरी फन चाइल्डहुड ऑल्सो वेरी एक्सेप्टिंग चाइल्डहुड यू नो मतलब तब तो आज भी स्पीक अबाउट अ प्रोग्रेसिव नेशन प्रोग्रेसिव सोसाइटी वैन माई सिस्टर वैन आई सी हर एज अ पेरेंट लाइक माई सिस्टर्स जेनरेशन एज अ पेरेंट एज पेरेंट्स दे आर मच मोर लिबरल एंड एक्सेप्टिंग हमारे जमाने में शायद उतना एक्सेप्टिंग उतना नॉलेज नहीं था बट मेरी माँ पापा ने कभी मुझे रोका नहीं है एंड सो आई हेड अ रियली फन एक्सेप्टिंग चाइल्डहुड फुल ऑफ लाइफ एंड अ लॉर्ड ऑफ लाफ्टर इन दाउसोर्स अरे टेरेबल डेज इन स्कूल

थैंकफुली uh, मुझे बहुत सारी चीज़ें बोला जाता था मतलब ऐसे रस्ते पे चलते थे तो लेडीज लेडीज़ लेडीज़ बहुत बार um, तब बुरा लगता था तब ऐसा लगता था कि यार मतलब ऐसे क्यों बोल रहे हैं मतलब um, ऐसा क्या है मतलब इतना अतरंगी कि आपको लगता है कि ऐसे बोला जा सकता है माई फ्रेंड्स यूज़ टू गुली मी इफ़ आई सेट नेक्स्ट टू अ बॉय आई वॉज क्वेश्चन मतलब हंसते थे लोग इफ़ आई सेट नेक्स्ट टू अ गर्ल ऑल्सो हंसते थे लोग और मेरी माँ हमेशा बोलती है कि एक लड़के का बहुत अच्छा बहुत अच्छे दोस्त एक्चुअली लड़कियाँ होती है तो आईव ऑलवेज हैड लाइक अ सेट ऑफ गर्ल फ्रेंड्स बीन लाइक रॉक सॉलिट नॉट देट आई है गाइज माई बेस्ट फ्रेंड इज अ गायल्सो बट द पॉइंट इज दैट बचपन में आई फील दैट आई यूज टू गेट बुली द लॉर्ड आई गेट रियली अपसेट I used to come back from school on days really, really upset, and I didn't know what to tell my mom and dad because for the longest time I didn't even want to tell them कि मेरे साथ ये हो रहा है uh, because क्या बोलूँ मतलब उनकी भी क्या गलती है और वो क्या ही करेंगे and uh, I've always been this child who has never wanted to like put my problems on the other person mm. at all. तो so, एक time जब बहुत बुरा लगा एक time मारपीट हुई तो मैं मुझे किसी ने चार मारे तो मैंने एक तो मारा एटलीस्ट <laughs> <laughs> इतनी तो ताकत थी कि एक मारूँ uh -huh. um, तो जब हुआ तो मैंने मम्मी को बोला कि क्यों हुआ बिकॉज आई वॉज ऑलवेज वेरी क्वाइट शांत चाइल्ड सो वेन आई टोल्ड हॉ शी जस्ट टोल्ड मी वन थिंग एंड माई ब्रदर एक्चुअली आई हैव टू गिव इट अप टू हिम ही इज टेन ईयर्स ओल्ड टू मी सो आई थिंक आई वॉज अराउंड नाइन ईयर्स नाइनटीन नाइन और टेन एंड ही टोल्ड मी वन थिंग दैट जितना तुम बुली अगर हुए अगर तुम उनको रिएक्शंस दोगे hmm. या फिर तुम उनको दिखाओगे कि तुमको बहुत फर्क पड़ रहा है hmm. तो वो जानबूझ के और ठीक करें है तो या तो तुमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए और अगर फर्क पड़ भी रहा है तो उनको मत समझाओ जितना भी अपने अंदर रखो गुस्सा आ रहा है मारो नो प्रॉब्लम इफ दे आर हिटिंग यू यू हिट देम बट डोंट डोंट रिएक्ट व्हिच व्हिच इज़ दे आर लुकिंग आउट फॉर सो यू नो एंड एक अभी एट थर्टी वन इज़ वेरी इजी टू से 12 इट वॉज इंट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ वेरी डिफिकल्ट टाइम्स बट बोलते हैं ना कि एक जगह पे आप मतलब ये जगह पे आप ऐसे भी करोगे ना beyond ऑन द पॉइंट आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ एक ही जगह पे ओके एक पॉइंट के बाद ये दर्द नहीं हो रहा बट एक जगह पे ये सुन हो जाएगा तो मुझे लगता है कि वो जगह ही गई तो उसके बाद मेरा ऐसा हो गया कि आई हैव अ वेरी strong डिफेंस बिल्ट वाइल आई वॉज थर्टीन फोर्टीन इन दो रेबेलियस यर्स Um, today, I don't think people have the guts to come and bully me on my face mm. because I have that that wall. Like, my friends would be friendly bullying me. Mm -hmm. Like, you know, you are allowed. Yeah. But if I don't know somebody, they will think twice, thrice because I have created that wall where they know that they can't mess with me. Mm. So, that has happened because of those years of bullying. And I feel many people who go through all of this silently I don't know if you have been bullied have you been bullied in school ever for anything sometimes for what not 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 like the case you are talking about but yeah I was also a shy child so obviously they try to be you always have someone in the school who, who try to be always over smart right yeah but I am I'm kind of a guy who hit back uh, always oh. so <laughs> <laughs> हर चीज़ mm -hmm. आज तक मैंने जो किया सब यहाँ से किया है mm -hmm. तो मेरा मुझे पता है कि mm -hmm. मेरा फिजिकल पावर शायद नॉट बी दैट मच बट मेरा मेंटल गेम बहुत स्ट्रांग हो गया है थैंक्स टू इयर्स ऑफ बुलिंग इयर्स ऑफ कॉमेंट्स एंड लेबल्स दैट आई हैव हर्ड सो अभी ठीक हो गया है मतलब अभी अभी मुझे बुली करे भी तो मेरे को फर्क नहीं, नहीं, नहीं पड़ता एंड um, मुझे नहीं लगता कि कोई मेरे को मुंह पे भी बुली कर सकता है Come up to me and bully mm -hmm. me because they used to be really scared of me. Mm -hmm. Scared of that defense. Yes. What uh, role plays family in life? Mein? Family plays the most important role. So, my biggest strength is my family, uh, my biggest weakness is my family, mm -hmm. and, um, and uh, everything in my life circle back, circles back to my family. So, it's either something that I've picked up from my mom, dad, my brother, my um, sisters.

Uh, you always felt represented. Mm. Like if uh, mom, dad, and my brother think three different ways, there was a fourth opinion that was at least being heard, Good. even when you were twelve years old, and your opinion no. didn't count. But they at least heard me out. Uh. and I've always been the most practical of my uh, in my family. My family has too many emotional people uh, jinko bo fool, <laughs> banana,, bohat easy hai. Uh -huh. I can a lot of my relatives have made my uh, parents and my brother like fools with money and stuff like that. आई डोंट थिंक दे कैन डू दैट विथ मी बिकॉज एव सीन दैम गेटिंग फुल्ड सो वहाँ पर भी मेरा एक डिफेंस बन गया कि यार ये क्या एंड आईज टू ऑलवेज क्वेश्चन एज अ चाइल्ड मेरी जिंदगी में ये था कि मैं क्वेश्चन सब चीज़ करता था अनॉइंग होता uh -huh. है वो हैबिट uh बट -huh. uh -huh. वो करने से एटलीस्ट ये हो गया था कि मैंने समझ लिया था कि मेरे को क्या राइट right है क्या रॉन्ग है कमिंग बैक टूर क्वेश्चन फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माई माम आई एम एग्जैक्टली लाइक माई मदर माई ब्रदर इज एग्जैक्टली लाइक माई फादर एंड आई फील दैट वी आर अ यूनिट एंड मेरी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स रहे हैं जहाँ पे माई फैमिली हैज़ ड्रिविन समथिंग रियली नाइस एंड फैमिली इज ऑल्सो ड्रिविन सम रियली डिफिकल्ट डिसंस आई वॉज सिक्स ईयर्स ओल्ड वैन माई फादर हैड इज़ फर्स्ट हार्ट अटैक ऑन अ सैटरडे ही वेंट केम बैक ऑन अ ट्यूजडे थर्सडे गॉट अ नदर अटैक स्ट्रोक एंड ही वेंट बैक एंड इज पल्स ड्रॉप टू लाइक ट्वेंटी नाइन एंड इवन दो योर सिक्स और सेवन यू रियलाइज The twenty-nine is not a good number mm -hmm. for pulse. Uh -huh. So I have always had anxiety related to my parents' health, like my dad's health, for the longest time, and now everybody's health. So that has stayed with me, and the core strength of my family has been in the term, in terms of acceptance. Like I told you.

Sometimes over expressive means people think they are faking it out that's true is it is it, is it what's in sometimes your case sometimes there are fake yeah. posts also yeah. <laughs> i will not lie <laughs> yeah. sometimes there are posts that you are um, doing out of a favor sometimes you are doing it out of your relationship out mm -hmm. of your bonds everybody does mm -hmm. it okay that's why possibly i'm not a reviewer mm -hmm. what i do is on my personal instagram mm -hmm. What I do on my personal Instagram or my personal Twitter is completely my opinion. Mm. I have not um, driven my opinion on the company that I've worked Work, in. Right. So, if Bollywood Bubble doesn't like a movie, they will say that the movie was not good. Mm. But if I have a particular relationship, I don't want to be too mean to people. Mm. And I've never been a mean person by nature. Hmm. Does it mean that that I I I I am um, sucking up to people? Not really, hmm. but But uh, just, I just can't can't, be mean. Hmm. That's why possibly I can't, and I'm biased. Hmm. biased. feel that everybody is कौन नहीं है बाय आज के जमाने में मतलब हर रिव्यू biased होती है या तो नेगेटिवली देखता हूँ कि मूवी देखने से पहले तय करके जाते हैं कि उनको मूवी पसंद नहीं है तो फिर आप कुछ भी दिखा दो वो मूवी आपको पसंद ही नहीं आएगी एंड आई ऑलवेज लुक एट अ मूवी लाइक एन ऑडियंस ओके रिव्यूअर्स मतलब मैं भाई साहब मैंने फिल्म मेकिंग का कोर्स किया ही नहीं हुआ माई टू कॉमेंट दिस मूवीज स्क्रीन प्ले इज नॉट गुड आई डोंट नो आई प्ले पहले जमाने के जो रिव्यूअर्स थे ना देवर देर टू स्टडी फिल्म अ पर्सन लाइक भारद्वाज रंगन

उगते हुए सूरज को सबको सलाम करना पड़ता है बट मुझे लगता है कि चढ़ते सूरज को सब सलामी देते भी हैं देते भी है, है ना तो uh, मेरी माँ ने ये आई कम फ्रॉम अ बेंगाली हाउस देर आर डिफरेंट फ्रेजेज इन इन द लैंग्वेज बट द मीनिंग इज ऑलमोस्ट द सेम माई मदर हैज ऑलवेज टॉट मी वन थिंग दैट इफ यू थिंक यू हैव अराइव्ड द वेरी नेक्स्ट मोमेंट यू विल फॉल लाइक नो बडीज आई कैन नॉट टेक माई सेल्फ सीरियसली एंड बिलीव मी अंकित मेरे को कभी लगता है कि मतलब इवन इफ आई बिहेव अलिट बैडली ना मतलब मुझे लगता है कि अरे आप अगर मम्मी ने देखा तो मम्मी का जूता आएगा मतलब <laughs> आज भी आज भी मुझे वो जूते से डर लगता Achha. है विच इज़ अ गुड थिंग आई फील ठीक है तो मैं उस चक्कर में मैं ज़्यादा लोगों से गंदा बिहेव करता नहीं हूँ एंड uh, दिमाग में नहीं जाता बिलीव मी यू विल अंडरस्टैंड दिस वेन यू हैव अ टीम That can come and tell you, or mm. take team as in whoever surrounds you. It can uh -huh. be your family, friends, uh -huh. team, anybody mm. who come to you directly and have the guts to come and say what you created is shit. Mm. It's boring. Mm. She, my sister, works with me in the same company. Uh -huh. She's a digital person. Uh -huh. There are times when other people video pe views crazy okay uh -huh. but my sister has come and said it was a very boring interview. Uh -huh. डिड आई माइंड नो बट आई नो दैट शी कैन ईजीली लाइक यस से कोई फर्क नहीं पताल इन लाइफ तो मेरी माँ भी वैसी है ना ज्यादा uh, मेरी अच्छाई करती है मतलब ऐसा नहीं कि अरे वाह वाह करती है मेरे पापा कर लेते हैं माई डैड इज लाइक दैट माई डैडे बेटे ने ये किया है मेरे बेटे ने इट बिकम वेरी लाइक ऑकवर्ड बट माई मम इज लाइक नो नो यू कांट अभी तुम चढ़ते सूरज हो नहीं हो पता नहीं बट कल को तुम नहीं होगे तो अगर आदत पड़ गई तो जब नहीं होगी ना तब बहुत प्रॉब्लम होगी उस चीज़ के साथ डील करने में कि यार आज तो लोग मुझे पूछते ही नहीं है तो कुछ लोग हैं जो मुझे पूछ ले बस खत्म हाँ। जैसे सक्सेस होती है ना जैसे सक्सेस आप अचीव करते हो क्या पैरामीटर लगता कैसे होती है बी जेन्युइन आई फील दैट बी रियल लाइक व्हेन आई सी i've met you okay we met under circumstances where we didn't know each other uh, right. and you are so helpful mm. okay let me just put it this way that I, got, I found a stranger very helpful towards me so automatically you vibed mm. right i met your team today mm -hmm. i have vibed with them mm -hmm. so it's all about the vibe you know mm -hmm. and इसलिए हुआ बिकॉज यू आर ऑल्सो योर सेक्ट स्टोरीज नीड समबडीज एंड टू अंडरस्टैंड ऑफ अड टू बी एन एम्पै टू अंडरस्टैंडीजो वेन दे आर री विजिटिंग ना तो मतलब करना है इसलिए कर दिया yeah. मुझे नहीं लगता इतना चलेगा बट वेन यू आर रियल बिकॉज दिस इज योर कोर विच आई नो बिकॉज यू आर अ फ्रेंड देन इट वर्स जब मैंने चालू किया था um, ये सीरियस टाइप का थोड़ा कॉन्टेंट स्पेशली विद वीमेन स्टोरीज हर स्टोरी एंड एवरी थिंग तो मुझे लोगों ने बोला था कि बहुत सीरियस कॉन्टेंट है शायद नहीं चलेगा बट द फैक्ट दैट पीपल वॉचड दो नीना गुप्ता वीडियो है आई एम प्राउड ऑफ दैट नॉट बिकॉज ऑफ द नंबर बट बिकॉज दैट शो ग एक्सेप्टेंस दई ऑलवेज थॉट एज अ क्रिएटर दैट ओ लोगों को तो ये पसंद आएगा बट मुझे यू नो समाइम्स यू फील लाइक कि ये शायद ना चले बिकॉज ये सीरियस है थोड़ा mm. सा बट वो चली और इतनी चली कि इतनी मतलब इट इट इज अमेजिंग सो आई फील दैट अपने पे भरोसा रखना चाहिए वॉट दे सी ऑन स्क्रीन इज मी लाइक वॉट दे आर सी मी राइट नाउ इट्स मी I I I have those moments where will feel feel upset also. very uh, very hyper, very jumpy. I'll be like mm, gossiping with a friend and I'll do all of that. It, All of of that. it is me, na? Hmm. So I am just Correct. myself. आपको ऐसा लगता है लोग भूल जाते हैं कि आप भी इंसान हो है ना लोग इस तरीके से मतलब इस कदर बोलना शुरू करते हैं कि आपको लगता है वो कहीं ना कहीं भूल गए मुझे आई 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 फील इट मतलब पता नहीं क्या हो गया दुनिया को मतलब समटाइम्स विद माई मम मैन आई की मतलब हमको तो बोला गया कि ऐसे होना चाहिए बट mm -hmm. जब ऐसे होते हैं तब उसमें प्रॉब्लम भी होता है बिकॉज uh, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आज का जमाना हैवच बजरंगी भाईजान सो देर इज अ सो नवाजुद्दीन सिद्दीकी प्लेज अर्नलिस्ट हु इज ट्राइंग टू सेल सलमान खान स्टोरी विच इज ऑफ दिस इंडियन गाय ट्राइंग टू सेव अ पाकिस्तानी चाइल्ड एंड रिटर्न टू हॉर पेरेंट्स विच इज सच अटोरी बट नो बडी वॉन्ट्स टू कवर दैट स्टोरी एज इज दे वॉन्ट टू कवर दैट स्टोरी एज ए इंडियन एजेंट हू इज कम टू स्पाईज समथिंग ब्यूटिफुलज इन आई एम नॉट रॉन्ग आठ साल हो गए तब सोशल मीडिया इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी

मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर कॉमेंटिंग हुआ कॉलिंग मी नेम्स दे डोंट रियलाइज यू कैन कॉल मी आई आई बी वेरी ऑन क्या क्या नाम आता है गे हिजरा छमिया हाफ बिरयानी और भी बहुत सारे मतलब ऐसे इसी 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 तो लड़की है क्या कपड़े क्या पहने हैं जा जा मुजरा कर अम, अकल से अ, ब्रा पेंटी पहन के घूम mm. ऐसे कॉमेंट्स आते हैं ऐसी mm. are you really abusing me mm -hmm. no you are not mm -hmm. because these are not abuses right. there are women who are wearing bra panties mm -hmm. is it an abuse no uh, a transgender is a community it's mm -hmm. not an abuse first mm -hmm. of all log jo hijra chakka xyz jo aise randomly use karte hain aur jinko bura bhi lagta hai na कि मुझे कैसे abuse कर दिया ये तो गाली है mm -hmm. मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये गाली नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल दे एग्जिस्ट दे उनको पूजा जाता है लिटरली ओके आ, वो एक कम्युनिटी इसीलिए आई स्पोक अबाउट लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी बिकॉज उनको पूजा जाता है लिटरली मेरे घर पर मैं एक माहौल ऐसे ऐसे माहौल से बड़ा हुआ हूँ जहाँ पे आज भी अगर आ, किन्नर आ, हमारे नेबरहुड में जाते हैं ना तो मेरे घर पे रुकते हैं मेरी माँ के साथ गप्पे लड़ा के पानी पी के खाना खा के कुछ ना कुछ करके जाते तो मेरे लिए वो एक्सेप्टेंस बचपन से है मेरी कंडीशनिंग ही वैसी रही है तो बचपन से मैंने ऐसा देखा है राइट तो मेरी कंडीशनिंग वैसी ही रही पे मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि ये लोग अलग है या इनसे डरना चाहिए या इनसे दूर रहना चाहिए मेरे को कभी बोला ही नहीं गया इनफैक्ट मुझे हमेशा बोला गया कि उनको इज्जत देनी चाहिए आज भी मैं अगर उनको मिलता हूँ ना तो वो लोग मुझे दुआ ही देते हैं है ना और दुआ से ज्यादा क्या हो सकती है वो लोगों के पास है क्या देने को दुआ ही दे सकते हैं आज उनको आप गाली की तरह यूज़ करते हो आपको पता है कि उनकी ज़िंदगी में कितना प्रॉब्लम है टुडे आई एम एजुकेटेड आई कैन गो एंड डू सो मेनी ऑड जॉब्स इफ आई फेल एट वन आई कैन टेक अप समथिंग एल्स दे डोंट इवन हैव द ऑप्शंस टू ऑप्शन वॉट व्हाटएवर उनकी हालात ऐसी है जहां पे उनकी मजबूरी है कि वो क्या करते हैं तो मुझे कहीं कहीं लगता है कि वो तो गाली के तौर पे यूज़ ही नहीं करना चाहिए फर्स्ट जो लोग गाली के तौर पे यूज़ कर रहे हैं जो लोग को लगता है कि उनको गाली दिया जाता है जस्ट बिकॉज उनको ये वर्ड यूज़ किया जा रहा है प्लीज़ स्टॉप इट बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी बहुत प्रिविलिज है मैं मैं कभी हो ही नहीं सकता वो क्योंकि मेरी ज़िंदगी इतनी प्रिविलेज रही है कि मैंने उतनी मुशक्कतें ज़िंदगी में देखी ही नहीं mm. तो मैं अगर मेरे को अगर कोई बोल देना तो उनको बेइज्जत कर रहे हैं मुझे नहीं mm. उनकी जर्नी उनकी प्रॉब्लम्स उनके लाइफ की स्ट्रगल को बहुत नीचा कर दिया मेरे को मेरे साथ तुलना करके तो मुझे वो ठीक नहीं लगता ये इट्स अ चॉइस whether i am gay whether i am bisexual whether i am straight whether i am asexual whether i right. am anything isn't it a choice how can you question my choice who are you me being gay bisexual asexual straight doesn't really matter to anybody here first of all not even my own family ha matlab it may matter they can have a say they can have an advice they can have a suggestion but they cannot decide for me right नोबडी कैन डिसाइड फॉर यू सेकेंडली मैं ये चीज़ समझ में नहीं आता सिर्फ ये बात पर नहीं सेक्शुअलिटी की बात नहीं बचपन से मतलब हमको ऐसा बोला जाता है कि ये मत करो ये करो ये करो ये करो यही ऐसा ही करना चाहिए हर रिलेटिव हर कोई ऐसा बोलता है तो मुझे जानना है कि हमारी जिंदगी में जो चॉइसेज हमने लिए हैं एम थर्टी वन आई टेकन मल्टीपल चॉइसेज इन माई लाइफ मे बी अवे फ्रॉम द ऑर्डीनरी हाउ इज इट अफेक्टेड एनी बडी एल्स इज लाइफ अराउंड मी

ऐसा तो नहीं कि आप मतलब लड़के आपको लड़कियाँ पसंद है तो आप हर लड़की के साथ प्यार करने लग जाते हो वहाँ पे आप चॉइस है ना सबके बीच में किसी एक के साथ या दो के साथ चार के साथ मतलब जिनको चार दो चाहिए hmm. वो मैं बोल रहा हूँ लाइफ yeah. में ओके नॉट लाइक एट द सेम टाइम गाइड आई डोंट प्रोमोट दैट बट वो भी चॉइस है तो है. So, मुझे नहीं समझ में आता क्या है और आजकल ये नया चालू मेरे साथ एजुकेटेड पीपल आई हैव हर्ड आ कॉलिंग मी छमिया बिकॉज आई डू रील्स भाई मेरे रील्स चलते हैं मेरे को बाकायदा बोला जाता है कि आके रील्स बनाओ ठीक है मेरे को लिटरली कभी कभी तो पैसे भी मिलते हैं कि मैं रील बनाऊ तो मैं क्यों ना करूँ भाई आई एम वर्किंग हार्ड आई है लव डांसिंग एंड उसमें मतलब वन ऑफ द टॉप मोस्ट एडिटर्स आई वन ओ ने कॉलमिया छमिया अच्छा नाउ आई हैवेम विद टूडे सेमिया इज अ वर्ड दैट यू आर एसोशिएटिंग विदिनीटी एंड मी बींग एफ आई है शाइड अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट आई एम एफनेट फर्स्ट आई कम टू दैट बट नॉर्मली भी अगर लोग मुझे ये बोले तो गलत है mm. ठीक है क्योंकि उनको बोलना ही नहीं चाहिए mm. किसी को बट ये जो हमारे इतने दिग्गज पर्सन है वो उनको खुद जिंदगी में बहुत ज्यादा इस चक्कर में ही बुली किया गया है hmm, तो मतलब <laughs> तो घूम फिर के ये होता है कि दुनिया में दो तरीके के लोग हैं। अगर आपने जिंदगी में कुछ सहा है तो या तो आप ऐसे बोलोगे कि मैंने है किसी के साथ ना हो या फिर मैंने या साहे, मैंने है तो सबके साथ

she says so, such a beautiful thing she says she say you're a reporter right you can be a reporter they can be like a teacher they can be why can't i be a hijra right is it is it you born differently and i born differently you took 9 months to come out of the womb i took 9 months to come out of the womb how it will make difference between you and me वही तो बात है मुझे मुझे एक चीज बताइए <coughs> आज लक्ष्मी मैम के चॉइस से लोगों का तो भला ही हुआ, भला है, हुआ है ना आ, रही। आ, रही। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने जाके किसी का किसी का भला नहीं किया mm -hmm. है वो तो दुआ ही दे रही है mm -hmm. सबको तो आप मेरे को एक चीज़ बताइए जो हमारे वेदों में बोला गया है लाइक पीपल हु आर सो एडमेंट अबाउट थिंग्स वी लर्न आवर माइथॉलॉजी आवर हिंदू वेदाज एंड एवरी थिंग डू दे रियलाइज दैट दे आर डेमी गॉडी इफ यू आर इंसल्टिंग डेम इट्स ऑलमोस्ट इंसल्टिंग गॉड सो इफ यू डोंट रियलाइज दैट टूडेन दैट एंड उन्होंने जब भी बोला है आई फील सच अ डिग्निफाइड स्ट्रॉन्ग लेडी इवन गौरी सावंत तनौल आई फील दैट देयर सो ह्यूमन इन देअर अप्रोच एंड वाई नॉट वाई नॉट उनकी लाइफ है देव ओनली डन गुड टू द सोसाइटी मेरी मेरी माँ क्या बोलती है पता है जब हम लोग गुजर जाएंगे ना यहाँ से कौन क्या था किसके पास कितना पैसा था कौन कितना सक्सेसफुल था या कौन कितना बड़ा फेलियर था कोई नहीं देखेगा आपके ग्रेव पे ना जो लोग आएंगे जितने भी हुए आपने अगर बहुत अच्छे कर्म किए अच्छे लोगों के मतलब लोगों के साथ अच्छे थे तो बहुत लोग आएंगे अच्छे नहीं थे तो थोड़े कम आएंगे बट mm. लोग आके यही बोलेंगे कि यार अच्छा था गुजर गया mm. या फिर इंसान अच्छा नहीं mm. था तो वो इंसान अच्छा बनो mm. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे योर बैंक बैलेंस इज़ नॉट गोइंग विथ यू योर सक्सेस इज नॉट गोइंग विथ यू यू गोना लीव अ लेगेसी ऑफ गुडनेस काइंडनेस एंड एम्पथी सो इफ यू हैव अ चॉइस च्वाइस की जब बातें की yeah. जाए So, it's a choice and you better make a choice to be kind, empathetic and good. So, that's all. I would say that. Okay. What is the one lesson you learned at the Hardaway? One lesson I learned at Hardaway? Staying away from family and getting used to it. It's impossible. Hmm. It's crazy. Like we were discussing, it's difficult to be in Bombay. Yeah. Um, I came to Mumbai in nine years ago hmm. when I was 22. Mm -hmm. The first one year was pathetic. Mm -hmm. pathetic to the extent that I have wanted to go back every day. You know it's the worst when you हमारे घर पे एक रूल है कि हम लोग जब भी मैं घर जाता हूँ या कोई जाता है तो हम लोग प्लान करके जाते थे। जब पापा भी बाहर काम करते थे, अभी तो uh, he is um, retired, mm -hmm. so we always make sure that when I am home, so everybody used to come together and it's not just four of us, my my sister, my niece and my diya ji, जी. mm -hmm. so we unit seven people, we would always have one meal together, at least, possibly two, but one meal for sure. जब हम लोग घर पे होते हैं जब वो खाना अकेले खाना पड़ता है ना विथ नो बडी टू बिकर नो बडी टू शेयर दैट फूड विथ वेन यू वॉच अ मूवी विदाउट एनी बडीव विदाउट हैविंग एनी बडी टू शेयर दैट पॉपकॉर्न विद नै इज द वर्स्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड आई हैव हैड दैट फीलिंग फॉर ऑलमोस्ट अ अयोर वेर हैव हैड वेरी लिटिल फ्रेंड्स हु डेंट केयर सो मच अबाउट मी इट टेक्स टाइम टू मेक फ्रेंड्स माई फ्रेंड्स वे आर बिजी मेकिंग देयर ओन करियर्यर्यर्यर्यर्यर्स इन डिफरेंट सिटीज़ मेरे लिए मुंबई के अलावा कुछ था नहीं बिकॉज बॉलीवुड और वो सारे इंजीनियर्स एवरीबडी देम मोस्टली इंजीनियर्स सो दे वुड नॉट बी इन मुंबई बिकॉज उतना कुछ था नहीं तो बहुत टफ था आई I मीन mean, मैं जिंदगी में मैंने पहली बार अपने पापा को uh, मतलब मुझे नहीं देख मैंने नहीं देखा पर मुझे कॉल आया था कि माय फादर वाज क्राइंग बिकॉज आई वाज क्राइंग लाइक आफ्टर द थर्ड डे आई स्टार्टेड क्राइंग एंड आई सेड दैट नो दिस इज़ नॉट फॉर मी आई वाज बुलीड फॉर नॉट हैविंग हैल्कोहॉल थर्ड डे I was sitting with my friend and their friends, and imagine my friend didn't say anything. My friend's friends were constantly bullying me. Beyond a point, I realized that oh shit, maybe this is their normal, which is not my normal. Like, I'm okay with you drinking or smoking, bad for your health, but it's a choice you've made. I can suggest, but I will not stop you or force mm. you to stop it. Right. सिमिलरली यू कै नॉट फोर्स मी टू स्टार्ट हर मुझे लगा तभी कि यार ये ये तो है ही नहीं मेरा मुझे तो इतना बड़ा कल्चर शॉक आ गया कि मुझे लगा कि यार मैं तो रह नहीं पाऊँगा यहाँ hmm. पे और यहाँ पर तो ऐसे ही चलेगा दारू पियेंगे लोग सब कुछ ये वो तो मैं कैसे कुछ करूँ मैं, मैंने बोला नहीं मेरे से तो नहीं होगा आई स्टार्ट लाइक आई वॉज वेरी वीक आई आई वॉज ऑलवेज वेरी आई आई स्टिल वेलरेबल बट आई थिंक आई लर्न हाउ टू हाइड माई टीयर्स Over the last nine years of staying alone, that's something that I've learned the hard way. Um, something that I've really learned the hard way in terms of this is now I know the importance of spending that time with my family mm. because I don't get to spend so much. Yeah. I just feel that um, oh shit, um, I can't imagine a life without my parents, my brother, and everybody and, समटाइम्स वेन आई लिसन और ह्योर स्टोरीज लाइक दैट इट इट इज दैट नॉइंग फीलिंग इनसाइड मी कि यार मतलब ये जब कभी मेरे साथ हुआ तो मैं तो मतलब मैं ख़त्म हूँ तो वो मेरे को एक चीज़ होती है वो मेरे को बहुत हिट करती है कि यार सपनों के लिए क्या मैंने अपने मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करना मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया कि सो माई वन ऑफ माई नेबर्स पास्ड अवे ऑन फिफ्थ ऑफ मे एंड शी वॉज आई हैव ग्रो ना बैठर हाउस ओके शी इज़ माई नानी

तो शायद स्पेंड कर लूँ पर उसके बाद लगता है कि खुश भी नहीं होगा मेरी माँ मेरी मम्मी पापा भी खुश नहीं होंगे कि मैंने mm. अपने करियर जो चल रहा है ठीक ठाक टचवुड mm. um, उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया सो नाउ आई किडनैप देम नाउ आई किडनैप देम एंड गेट देम होम एंड आई मेक श्योर दैट माई मम्मी इज इन बॉम्बे राइट नाउ आई टोल्ड टू कम टोल्डी शिड इन कमागा बट सो दे केम ऑन माय बर्थडे एंड आई किडनेपट आई सेड आई टोल्ड माय डैड दैट माय डैड हैड टू गो बैक फॉर वर्क बट आई सेड दैट लिसन पति आया तो बेटे को भूल गया ऐसा टाइप का मैं, <laughs> मैं बहुत मारता सा मैंने लोगों को दिखाई लोग ना अमीर दिखने की कोशिश करते होते नहीं है तो ऐसा क्यों है कि वो एक नकाब पहनना चाहते हैं उनको ना कंडीशनिंग वैसी है अगेन जो भी आता है ना सिटी में कोई भी सिटी में तो उनको ये समझाया जाता है कि भाई साहब शायद ये ही राइट वे है hmm. कि आप एक्सेप्टेड तभी होंगे जब आप ऐसे करोगे तो उसी के चक्कर में मुझे लगता है कि लोग ऐसे कर देते हैं नकाब कोर्स बहुत सो आई माई आई हैव अ मैनेजर ओके फॉर द लास्ट थ्री मंथ्स गाइस माय मैनेजर कम्स इन अ मर्सिडीज आई कम इन एन ऑटो ओके आई कम इन एन उबर आई कॉन्ट अफोर्ड अ मर्सिडीज एंड आई हैव नो शेम मतलब क्या करूँ मतलब जस्ट बिकॉज माय मैनेजर इज कमिंग इन अ मर्सिडीज कल को मैं अपने पैसे खर्चा करके मर्सिडीज लेके आऊँ जस्ट बिकॉज शो दैट ओ माई गॉड नहीं होगा मेरे से वो वो सब वो सब फुकट के जो अयाशी है ना वो मेरे से नहीं होता एंड लोग करते, है। करते ऐसा हैं ऐसा नहीं है कि नहीं करते है। मैंने बहुत लोगों को देखा इंस्टाग्राम पे देख लो ना यार मतलब इज इज ट्राइंग टू शो दैट ऑलवेज ऑलवेज हैप्पी हैप्पी भाई yeah. हमेशा हस रहे, yeah. हमेशा रहे <laughs> हैं <laughs> <laughs> ऐसे मतलब रूमी बन गए सब अगर बुरा भी लग रहा है तो रूमी का एक कोट एंड यू नो फिकर करते करते एक टाइम ऐसा आया कि फिकर करना ही छोड़ दिया मतलब उसमें भी थोड़ी सी आशिकी ला आश्की के बट ऐसा नहीं डायरेक्टली कोई नहीं बोलेगा कि यार बुरा लग दिल गया दिल टूट गया दिल टूट गया उसमें भी बोलने में शर्म है सब कुछ में शर्म इज लाइक like, लोग क्या कह देंगे यार लोग क्या सोचेंगे तो तो कि वही प्रॉब्लम है दुनिया का दस्तूर वही प्रॉब्लम है लोग इतने लोग मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हैं बॉम्बे में इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है

वाई डू वी केयर अबाउट द कॉन्सिक्वेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स वाई कान बी क्वान्टिफाई एनी वैलिडेशन इन टर्म्स ऑफ लव एंड अप्रिसिएशन हमेशा हमको ये हो जाता है कि नंबर्स दो लाख व्यूज अभी ये ना आई थिंक इट्स इट्स अ प्रेशर गेम एक्सक्लूसिव मैन मैं अपने जनरेशन से मतलब अपने फील्ड uh, से बात कर रहा हूँ हर किसी को सबसे पहले करना होता है हर किसी को प्रेशर है कि नहीं बेस्ट करना है नंबर्स hmm. मुझे सबसे ज्यादा डालना है तो मैं मुझे लगता है कि वो प्रेशर से ज्यादा हो रहा है और आई डों बी राइट टू सेज मच एज पीपल आर गोइंग थ्रू टफ टाइम्स विच आई बिलीव एंड आई सिंपोथाइज एंड एम्पोथाइज विद ऑफ पीपल नॉट जस्ट लाइक अ सेक्शन ऑफ दैट पीपल आर मिसयूजिंग दैट वर्ड टू गेट आउट ऑफ सिचुएशन एंड गेट अवे विद इट लाइक इट्स बिकम अ वेरी कॉमन वर्ड हैम आई डिमीनिंग देर स्ट्रगल नो नो नो

जो आपको एक सरफेस लेवल पे जानते हैं या फिर शायद आपसे एक दो बार दस बार मिले भी है बट सरफेस लेवल पे ही जानते हैं मतलब आपके कोर को नहीं छू पाए हैं क्या होता है दे हैव सीन द इजीएस्ट वर्जन ऑफ यू यू आर ओनली शोइंग दैम द नाइसेस्ट वर्जन ऑफ यू बिकॉज यू आर मीटिंग दैम सो सो लाइक हाउ डू आई से लाइक सो सेल्डम दैट यू डोंट योर इन्सिक्योरिटीज योर वीकनेसेज योर फ्लॉज डोंट कम आउट जब आप एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर देते हो ना तो आपके कॉम्प्लेक्सिटीज भी आने लग जाते हैं और जो दोस्त वो कॉम्प्लेक्सिटीज को पार करके आपके साथ रुके ना जो इंसान आपके साथ वहाँ पर रुके ना तो वो असली के दोस्त है और वो दोस्त बहुत कम होते हैं mm. अगर आप वो ढाई लाख लोगों में से आप ढाई लाख लोगों को दोस्त मानोगे या फिर चार सौ को भी दोस्त मानोगे ना वो दोस्त है नहीं दे लव द आइडिया ऑफ यू

क्या था आप काम के चक्कर में यू विल मीट द सेम सर्कल ऑफ पीपल लाइक यूल मीट एक्टर्स पीपल वॉन्टिंग टू बिकम एक्टर्स पीपल वॉन्टिंग इंडस्ट्री पापराजी मीडिया पीपल वॉन्टिंग टू बिकम मीडिया बिकॉज उसके बाद सर्कल खत्म हो जाती है और आपके जो दोस्त है जो शायद इंडस्ट्री से नहीं mm -hmm. है वो गिने चुने होते हैं mm -hmm. वो तो चलो आपके दोस्त है बट ये सर्कल इतनी विशेष सर्कल है ना कि यहाँ पे ये यह होता है कि कॉम्पिटिशन तो होगी ही ना uh. क्योंकि दे विल फील दैट वो मुझे इससे बेटर करनी है बेटर करनी है अभी कोई कॉम्पिटिशन जितना भी हेल्दी कर लो वो हेल्दी होता नहीं है वो बचपन में भी जो रेस करवाते थे ना बच्चों को कि रैंक क्या आता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड मतलब पढ़ाई में भी रैंक क्या आया hmm. 21st? Hmm. जी यार, तुम्हारे आगे लोग तो आपने इनसिक्योरिटी डाल दी कि उसके अंदर, उसके अंदर आगे बीस लोग हैं तो वो बच्चा बीस मतलब हमेशा वो कम्पीट करते करते ही जिएगा hmm. तो दैट इज वन रीजन वाई पीपल डोंट हैव फ्रेंड्स एंड मुंबई इज अ वेरी फास्ट पेस्ड सिटी आई जस्ट फील दट नो बडीब

बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको ये लेबल्स लगता है और उनकी फैमिली बोलते हैं कि तुम अपने आप को बदलो hmm. लोग तो लोग क्यों बोल रहे हैं तुम, तुम में कुछ गलती है तो वो गलत है hmm. ठीक है बट लेबल से मेरी फैमिली को इतना फर्क नहीं पड़ा था बट जब सुशांत का वो हुआ एंड देन इंटरव्यूज दैट आई डेड तो वहाँ पर ना एक टाइम आ गया जहाँ पे लोग कॉमेंट कर रहे थे कि अरे तू भी मर जा तू क्यों जिंदा रह रहा है सुशांत की फैमिली को जो दुख मिला है वो तेरी फैमिली को आई हैव नॉट डन एनी फॉर

But parents have the most purest form of love. Like it's so unconditional, nobody can love you that way. Mm. So they'll go against the world for you. So I think they are, they were protective. But I sailed through. So it's mm. fine. Beautiful. Apart from the family, let's put aside the family. Do you feel there's some some people in your life who have loved you unconditionally without not giving anything in return? Yes. yes. Okay. I was just gonna post today, <laughs> but my friends told me no, <laughs> don't post this.

और बुराई बहुत है बट बुराई के बावजूद मुझे एक्सेप्ट उसी के उसमें किया है, ना मुझे जज करते हैं ना मुझे शेम करते हैं um, और एक्सेप्ट कर लिया यार मतलब आई एंड यू नो मतलब ऑल माई फ्रेंड्स नो हु दे आर सो मेनी ऑफ दैम एम टच वैम आई फील लकी दैट आई हैव अ ग्रुप ऑफ लाइक एन आर्मी ऑफ ट्वेल्व फिफ्टीन पीपल हु आर लाइक दैट हु विल कम एंड फाइट एंड या एंड इट्स द बेस्ट मोस्ट सॉलिड सपोर्ट दैट यू कैन हैव

memories like for me love it's very it's very boring an answer but believe me when i say this that we have वी ओनली इक्वेट लव विथ रोमैंस एंड लव बिटवीन पार्टनर्स बट लव इज सो मच मोर देन दट इज कॉल्ड लव प्यार hmm. मोहब्बत अलग चीज है रोमैंस इज समथिंग एल्स रोमांस कैन है टैग टू इट सो इफ यू कैंट लव दैन गॉड ब्लेस यू एंड I don't know, just power of love is too much for in in my case at least it's kept me going. Beautiful. Do you feel किसी ने आपका ऐसा बहुत misuse किया life में आपने बोला चल जाने दे यार ज़िंदगी है हमेशा यार I was just discussing <laughs> with your manager because <laughs> we are similar. Um, बहुत लोग पर पता नहीं can you really change your code? I've tried. एवरी टाइम आई गो थ्रू थ्री डेज आई अब तो मैं किसी को अलाउ ही नहीं करूँगा वो लाइन ब्रीच वो लक्ष्मण रेखा जो है वो ब्रीच करने के लिए और हो जाता है फिर वापस और फिर लक्ष्मण रेखा जब ब्रीच हो जाती है फिर उसके दस दिन बाद लंका भेदी हो ही जाती है एंड देन यू गेट टू नो दैट ओ शेट आई बीन प्लेड अगेन ओ शेट आई बिन प्लेड अगेन देर आर सो मेनी पीपल आई वोट लाई लाइक फ्रेंड हू टोल्ड मी दैट इज नानी

बुद्ध बनाना बहुत ईजी है और मैं बुद्धू बनता भी हूँ बिकॉज इवेंचुअली आई डोंट नो आई कॉन्ट चेंज माई कोर तो इफ यू आर आई शुड आई 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 ऑन कैमरा नाउ इज मेक मी बुद्धू बट या इट्स अ प्रॉब्लम आपको कभी नहीं लगा कि आपका फायदा उठाया गया है कि ये पूरे जो होटल में लोग हैं मैं सबसे जानना चाहता हूँ किस कौन ऐसा लकी इंसान है जिनको लगता कि मेरा तो कभी किसी ने फायदा ही नहीं उठाया हम्म hmm. तो <laughs> बात सच है लास्ट क्वेश्चन है कैसे रिश्तेदारों के रंग बदलते हैं समय के साथ इट्स अ चैप्टर मोटो बायोग्राफी सो आई टेल यू समथिंग ओके आई वाज ऑलवेज अ गुड स्टूडेंट आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर आई वाज स्टडिंग फॉर मेडिकल डेंट हैपन आई हैड स्टीडी जर्नलिज्म नॉट स्टडीड आई आई स्टार्टेड डूइंग इंटरव्यूज हई स्टेड डूइ ओल्ड बिकॉज आई वॉन्ट टू मीट शाहरुख खान सिंपल था दे एज अ पेपर इन कैलकट एवरीबडी नोज दिस स्टोरी बाई नाउ दैट आई यूज टू राइट फॉर दैट पेपर इट्स कॉल्ड टेलीग्राफ इन स्कूल्स वे वी कुड इंटरव्यू पीपल एंड मोस्ट ऑफ द एक्टर्स वैन दे सी दैट कम्फर्टर्ट बिटवीन विद्या बालन एंड मी एंड सलमान सर एंड मी देव लिटरली सीन मी इन द नाइन्थ स्टैंडर्ड इन कैलकाटा आर नॉट किडिंग नाइन्थ टेंथ उन्होंने मुझे वहाँ पे देखा है तो दे ऑफकोर्स हैव अ लिटिल बिट ऑफ अफिनिटी टुवर्ड्स मी एंड अ लिटिल बिट ऑफ अफेक्शन टुवर्ड्स मी बिकॉज सीन मी ग्रो अप नाउ जब मैंने डिसीजन लिया तो मैंने जैसे कहा कि मेरे रिलेटिव ने बहुत शेम किया मेरे मम्मी पापा को भाई साहब um, मेरा ट्वेल्थ का रिजल्ट आया है और मेरे एक रिश्तेदार मतलब मेरी एक और बहन है कजिन जिस वो टेंथ पे थी तो उसका रिजल्ट उसका परसेंटेज वाज नॉट एज गुड एज माइन एंड आई हैड लॉस्ट माय डॉग थ्री डेज़ बिफोर दैट ओके सो वी वर नॉट इवन सेलिब्रेटिंग वॉट मार्क्स वी गॉट वॉट वी वर नॉट सेलिब्रेटिंग एंड माई मदर वॉज लाइक अ रेक दिस पर्सन

वही सेम लोग जब पेपर में और वीडियोस आने लग गए ना तो ये ही लोग फेसबुक पे जाके अब इंस्टाग्राम की तो आदत है नहीं उनको तो फेसबुक पे जाके शेयर करेंगे और मैंने मेरा भतीजा भाई कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे इट्स अ बिग स्लैप ऑन योर फेस माय मम आई एम वेरी हैप्पी दैट इट्स अ बिग वैलिडेशन फॉर माई मम एंड डैड देव दे आर नाइस पीपल दे नेवर गिव इट बैक सो देव बॉर्न द ब्रांट ऑफ इट बट आई इट डज दैट अप्रिसिएशन अप्रिस मेक अ डिफरेंस टू मी

बहुत ज़्यादा वन ऑफ द रीजन्स वाई लॉट ऑफ पीपल हैव एक्चुअली शेम बिकॉज आई 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 क्राई 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 लॉट ओके एंड एंड लाइक कभी भी मतलब गेट कैन सो मुझे लगता है कि ये इसमें ना कोई मर्दानगी वाली बात नहीं होती hmm. ठीक है अगर आप मुझे बोल रहे हो कि मैं रोता हूँ तो मैं एक लड़की के जैसा हूँ तो अच्छी बात है बिकॉज आई हैव बीन ब्रॉट अप इन एन एनवायरमेंट जहाँ पे मुझे बताया गया कि वीमेन आर ओवर सेंसिटिव एंड दे आर मल्टी टास्कर्स इफ़ यू आर कंपेयरिंग मी टू दैट ग्रेट आई एम लाइक माई मदर

more comforting and loving than I am. I cannot reach that level of purity for sure. Nobody can. Nobody can be the be as pure as their mothers. But at the same time, मुझे ये realization है कि अगर मेरे रोने से कुछ problem है किसी को problem नहीं मेरे घर पे. Mm. मैं खुशी खुशी रो लेता हूँ और मेरे को बहुत सारे कंधे हैं mm. कि मैं रो लूँ मेरी मम्मी जब नहीं होती ना यहाँ mm. पे बॉम्बे में तो मेरी बहन है जो मेरे साथ रहती है मैं उसके कंधे पर बहुत रोया हूँ एंड mm. वो भी मेरे कंधे पर बहुत रोई है तो आई फील दैट इफ you I can give you that shoulder to cry mm. on my shoulder and mm. if you give me that's friendship that's the purity of a relationship and there's nothing to judge in it it's okay I, everybody has bad days I have mine and I like to I let it off my system I, I cry and let it off my system I did have a tear when I was in the room but that <laughs> is for a different reason what do you call those friends who are friends to you but go behind your back and talk shit about you am I allowed to say what I really want to yeah. say yeah.

आपको मैं पसंद नहीं हूँ तो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन इट्स योर ओपिनियन आई विल ट्राई टू चेंज दैट ओपिनियन बट इवन इफ आई फेल टू डू सो आप मेरे सामने आके मेरे दोस्त बनने की नाटक मत करो यू हैव दैट ओपिनियन यू कैन फील दैट आई एम अ शिट पर्सन आई एम द वर्स्ट ह्यूमन बीइंग ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ एंड दैट्स योर ओपिनियन आई विल रिस्पेक्ट इट बट डोंट कम बिहाइंड एंड से दैट एंड देन ऑन माय फेस यू अरे नयान आर सो नाइस वी लव यू नो i am very transparent mm -hmm. if i don't like somebody they understand from my body language mm -hmm. and i feel that that transparency should show in their body language also and i know a lot of people a lot of people who are like that in fact um, a thing that really bothered me last year was uh, so i do a lot of these shows right i do like bollywood bubble has literally been the kindest to me and they've allowed me to grow on my personal level so i do shows for different channels so when other journalists got to know this दे लिटरली मेड अ कॉमेंट एन अ वूमन मेड दैट कॉमेंट इन फ्रंट द फोर अदर पीपल से सबको पता है कैसे मिल रहा है उसको अगर मैंने ये बात एक लड़की के बारे में की होती ये सही लगता क्या ये इतना ईजी कैसे हो गया कि आप मेरे बारे में ऐसे बोल दिए आपको क्या पता है मेरे बारे में कि आपने ऐसा बोल दिया आपको आई डू हैव एनी काइंड ऑफ कॉन्क्रीट प्रूफ ड मैटर इवन इफ आई गेट इट दैट आई एम गेटिंग इट फाइन मैम मम सॉ आई वॉज गोइंग थ्रू अ व व वेरी टफ टाइम फिजिकली बिकॉज ऑफ माई ऑटो इम्यून आई गॉट डायग्नोज विथ कॉस्टोकॉन्ड्राइटिज लॉट ऑफ थिंग्स तो मुझे ना अफेक्ट होने लग गए कि यार ये लोग मतलब दोस्त थे यार तो so, मुझे लगा कि ये लोग ऐसे कैसे बोल दिए मतलब कैरेक्टर के बारे में तो so, मेरी माँ दूसरे रूम में थी मैम मम कम्स एंड माई फ्रेंड हुट सो मैम कम्स एंड सेट की बट तुमने रोका क्यों नहीं और नेक्स्ट टाइम बोलेंगे ना तो बोलो कि नैन का सीक्रेट पता चल गया ना स्ट्रेटेजी पता चल गई जाओ कर लो तुम लोग भी कर लो hmm. तो तब से मुझे लगा यार मेरी माँ ने बोल दिया तो हाँ कर लो बस यही है यार मतलब लाइफ सिंपल होनी चाहिए कभी कभी मैं कॉम्प्लिकेट कर देता हूँ पर मेरे आस लोग इतने अच्छे हैं कि वो सिंपलीफाई कर ही देते हैं ब्यूटिफुल बहुत मजा आया बट थैंक यू सो मच अंकित आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट यू आर अ रियली नाइस ह्यूमन ओके एंड नॉट मेनी पीपल नो दैट आई वॉज इन फुकेट Mm -hmm. I want to say this to mm -hmm. keep it, um, where people I knew. They abandoned me, mm -hmm. and you didn't even know me, yeah. and uh, you took care of me at a time when you didn't even have to. So that only goes on to show that you are a really nice human being. And if I had to do this, I would any day do this for you over <laughs> anybody. Else. So I, no, I'm not bragging about myself, but I you know one thing: I came back to Delhi after 4K trip. And there was one girl who shared cab with me going there. So I messaged her, "Oh, I got a brand. Uh, can I should I recommend your name?" And there was a pause for two three days, and I was surprised why she not replying. She said, "I was not replying because nobody ever do this thing in Mumbai." I said, "But we, we work like this way. If I am getting work, you should also get the work, right?" She said, "No, this is not the culture we usually get here." I said, but, I don't know. but you are a you are a rarity. Rarity. <laughs> I am telling you, Baba, you and your team that's are why, a rarity. That's why I

Okay by the way I don't know if I'm a good host or not but I You are a fantastic I, I will host will try to make it my best You are of my a fantastic time. host because you listen. Uh. People who care to listen are always the <laughs> best hosts. Let's go for the rapid fire round then. If you're stuck on an island with a person dead or alive who would it be and why?

It won't matter. Mm -hmm. They'll come back to you and celebrate you one day. An advice to five years elder Nandhi. Five years elder mm -hmm. Nandhi. Mm. Just don't be like other people and don't get swayed. Don't think that you have become something. Mm. Don't think you have arrived. Yeah. If that day comes, the flying chappal from mom is coming. <laughs> yeah. One quality which defines you the best. I think. Uh, the fact that I keep, I hold my relationships really really close to my heart, and uh, that's why I think I think in my generation there are better con, uh, sorry I'll take it again in my generation there are better talk show hosts uh, but I think I am a little better at keeping relationships <laughs> beautiful. One thing you can sacrifice your life for my family. Favorite movie Dilwale Dulhaniya Le chayenge. फेवरेट मूवी स्टार क्या मतलब क्या क्या सबको पता है आई यू लाइक दो स्लैम बुक्स होते थे ना वो वहां आता था फर्स्ट थिंग यू कैन यू विल नोटिस अबाउट मी दैट आई एम अ शाहरुख खान फैन आई हैव फॉट वॉर्स फॉर हिम एट होम माय जीजा जी हु इज लिसनिंग सो वी आर सो ही इज टू ही टीजेस मी ओके एंड आई हैव नोन हिम फॉर 23 इयर्स ऑफ माय लाइफ आई डोंट नो हाउ दे हैव बीन डेटिंग सिंस आई वाज 8 इयर्स ओल्ड जस्ट से एंड ही he used to tease me. He uh -huh. still does. It only me Pathan will not work. I said agar Pathan ne, उन्होंने बोला सौ करोड़ भी नहीं करी मैंने अगर तीन सौ करोड़ करी तो आपको गधे के पीठ पे चढ़ा के मुंह पे काली लगा के मैं एक चौराहे से दूसरे चौराहे पे लेके जाऊँ हजार करोड़ कर दिया I'm still not done it to you. Okay. One celebrity which inspire you the most to keep going and achieve greatness. Um, I feel one celebrity uh, will uh, see Shahrukh Khan of course because he's.

yeah like i said that that is something that i really really value the most i love trips with my mom she's my best travel buddy she's not here though i i agree the same hai na yeah if you get a chance to live the life of a movie's character which character would it be and why movie character i think i should i want to live the life of poo poo i <laughs> am a geet geet poo or geet, geet either. Yeah. of the two because yeah. i am walking talking kareena kapoor i feel like oh mere liye easy ho jayega wo to matlab it's like reality only, poo-poo, who poo. Poo is best. one piece of advice to whosoever is watching. Um, one piece of advice to whosoever is watching is that there's already a lot of hate around you. so don't be part of that community that spreads hate. rather fight it. join our movement and uh, let's fight uh, hatred with a lot of positivity, empathy and kindness. and uh, stop judging. Yaar. Matlab, वक्त मिला है ना तो सोच लो जज मत करो बस इज कमिंग